So ladies and gentlemen, very warm welcome to the module 156. I'll take you the different path today. We have seen a lot many approaches in the entrepreneurial development. हमने economists को देखा turn into the profit. हमने risk taking देखी uh, mitigated risk. हमने बाकी ideas को देखा. हमने psychologists को देखा. हमने ये भी देखा कि Weber साहब जो हैं वो क्या सोचते हैं. हमने ये भी देखा

क्या इसके अंदर सिर्फ प्रोज होते हैं कॉन्स नहीं होते हैं? क्या नेगेटिविटी नहीं होती लेस आई टेक यू टू द डार्क साइड ऑफ टुडे सी जेफ बेजोस का मैंने जिक्र किया मैंने आप पॉजिटिव होते रहिए मैंने बहुत से लोग अभी भी देखे पाकिस्तान में नाम लिए बगैर मैं बता दूं कि बहुत बड़े बड़े इदारों के लोग जो हैं प्राइवेट उनमें तकरीबन पचपन से साठ के दरमियान में आते आते वो जेफ बेजोस बनना चाहते हैं उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं है आइडिया भी नहीं है लेकिन वो उसकी अनकन्वेंशनल थिंकिंग की वजह से जेफ बेजोस बनना चाहते हैं याद रखिए जेफ बेजोस को उसका आइडिया सूट कर गया आप अपना आइडिया तलाश कीजिए कुछ लोगों को इखलाक सूट करता कुछ लोगों को स्ट्रेस से बात करना सूट करती है कुछ लोगों को धीमा बोलना सूट करता कुछ लोगों को अपनी प्रसुएस से बात करना सूट करता कुछ लोगों को हल्की बात करते हुए इशारों में गुफ्तु करता सूट करता कुछ लोगों का अंदाज अलग होता है अगर मोहम्मद अली साहब जो हैं वो किसी और बॉक्सर का स्टाइल लेते तो मुमकिन है उनको बड़ी मार पड़ती बट वो अपनी सदी के बिल्कुल यूनिक प्लेयर थे इसी तरीके से ज़ैनुद्दीन जैदान डिफरेंट थे जैनुद्दीन जैदान को लोग सिर्फ इसलिए याद करते हैं कि उसका एंगर एग्रेशन जो है उसने गाली बर्दाश्त नहीं की वर्ल्ड कप हरा दिया याद है लेकिन अगर वो जीत जाता जिदान को याद किसी ने नहीं करना था स्टाइल लेकिन यही मैं आपको करना चाहता हूं कि ये इंडिविजुअलिटी नहीं है जिदान ने अपने आप को तो जिंदा कर लिया लेकिन मैच हार गए अब यहां पर जैफोज की अगर आप एग्जाम्पल ले रहे हैं तो इट इज वेरी सेल्फिश अप्रोच द वर्डरप्रिप साइड ऑपर्चुनिस्ट होते हैं. आपने बनाया बेच दिया मैक्सिमम लोग जो हैं वो पांच साल के लिए कोई बड़ा पैशनेट बिजनेस बनाते हैं बनाते हैं बेच देते हैं बनाने वाला तबाह करता ऑल द कंस्ट्रक्टर्स आर द डिस्ट्रक्टर्स लेकिन ये सिर्फ अल्लाह की है आप ट्राई मत कीजिए आप सोचिए कि यू नो यूनिवर्सली सोसाइटीज को डेवलप करने के लिए क्या चाहिए लेकिन होता क्या है नाम गिव यू आई वांट यू टू गिव अ स्ट्रेस ऑन डार्क साइड ऑफ एंटरप्रेन्योर देखिए जी कई दफा जो है वो गलत लॉजिक के साथ कोई क्लिक हो जाता है। आप उसको सही नहीं कर सकते आइडियल फॉर for everyone क्या आप जो है वो बिलेयर की गेम में आ जाए और फिर कुछ लोग बेसिक बिलेयर होते हैं शॉर्टकट के साथ कोई भी बिजनेस शुरू किया खराब हो गया अगर फॉर example, फ्रॉड ना भी करें लेकिन आप कुछ ऐसी चीजें आप कर दें जो कि पूरा स्ट्रक्चर अप्रोच के साथ ना हो एम्प्लॉयज की बेटरमेंट ना हो सोसाइटी की डेवलपमेंट ना हो लेकिन आपका उससे फायदा हो यानी आपने वो चीजें की ना हो और यूनिवर्सिटी को फॉर एग्जाम्पल आप सिर्फ और सिर्फ बड़ी ब्रांड बनाने के लिए पच्चीस तीस बड़े बड़े प्रोडक्ट दिखा दें और फिर उसमें से कुछ भी ना हो लेकिन एडमिशन हो जाए यानी इसका मतलब आपका सब्जेक्ट प्रॉफिट था प्रॉफिट हुआ गेम ऑफ बाकी प्रोजेक्ट गॉन

और वेस्ट में आमतौर पर यह होता रहा एक चीज़ को फॉर एग्ज़ाम्पल ख़राब करने के लिए आ, मार्केट में आ, मतलब फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ पंद्रह रुपए की जा रही अचानक से उससे शानदार चीज़ उसी के लोग तोड़कर कर आ, तीन रुपये की कर दी जाए आपकी मार्केट में छः महीने के लिए जो है वो पूरी मार्केट खराब कर देते और जो कि जिसका इंपैक्ट हमेशा के लिए पूरी इंडस्ट्री के ऊपर आ जाएगा वो पूरी इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी लेकिन उस वक्त थोड़ी देर के लिए आपको सुकून हो जाता है बिल्कुल हो जाता है ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और ये बहुत से लोगों ने किया बहुत सारे लोगों ने यकदम ओवरनाइट उन्होंने फैमिली लिया एंड गॉन द रियल एंटरप्रेन्योर इज फॉरएवर उसके बाद भी इदारे चलते रहे उसके बाद भी उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम रहे उसके जाने से ख़त्म ना हो आप नाम ले लीजिए स्टीव जॉब्स अब तक उनके जाने के बाद भी आखिरी दिन कैंसर की कीमोथेरेपी के लिए नहीं गए और आपने उन्होंने कहा मैं कुछ और चीजें डिजाइन करके चला जाऊं थिंक फॉर द अदर आने वाली नसल के बारे में। हु मेक मिस्टेक्स और बट हुई कम बैक एंड देन इज अट्रैक्ट कॉन्ट्रोवर्सिटी कॉन्ट्रोवर्सी डिसऑनेस्ट एंटरप्रन कंट्रोवर्शियल रहते हैं मेरी किसी एक दफा किसी से बात हुई उसने कहा कि हमारे हक में लिख दें तो भी अच्छा है और हमारे खिलाफ लिखें तो बहुत ही अच्छा सो दिस इज हाउ द पीपल थिंक आप लोग कंट्रोवर्सी में बड़ी जल्दी आगे तो चले जाएंगे बट ट्राई नॉट टू डू दिस दिस इज द डार्क साइड ऑफ एंटरप्रेन्योर हमको क्या रखना है टेक द डिसीजन मेक इट राइट अगर आपसे गलत डिसीजन से गलत, गलत साइड से गलत तरीके से आप लोगों ने कुछ आइडिया बना दिया तो आप अपने कायद को याद रखिए कायद आजम मोहम्मद अली जनाह उनको कायद अजम मोहम्मद अली जनाह कहा इसलिए जाता है क्योंकि ही टेक्स द आइडिया मेक इट राइट ही टेक्स द डिसीजन मेक इट राइट इसलिए कि उन्होंने जो आइडिया बनाया फिर उसके अंदर पूरा स्ट्रक्चर दिया और आगे आने वाली नस्ल को एक स्टेंथन आइडिया दिया उन्होंने अपने ही नज़रियात को चेंज कर लिया और एक ऐसा नज़रिया दिया जो पाकिस्तान के लिए था और वो कंसिस्टेंट था थैंक यू वेरी मच